नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का आदित्य क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखिए, एक नई सूचना निकल के आ रही है कि सीएम जो हैं हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी, उन्होंने राजस्थान में नए जिलों की जो घोषणा की थी उसके लिए आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज अभी कुछ घंटे पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उसमें बताया गया है कि राजस्थान का जो नया मैप होगा, नया मैप किस हिसाब से होगा, कौन कौन से जिले नए बनाए गए हैं, कहाँ कहाँ से बनाए गए हैं, कहाँ कहाँ उनकी सीमा होगी, कौन कौन सी तहसीलें हैं, उस हिसाब से अपन डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जल्दी जल्दी अपने सभी मित्रों, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करें। ये वीडियो आपके काम की है क्योंकि यहाँ से आगे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होंगे उनमें कुछ समय बाद क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे और वो क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इन्हीं जिलों में से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। चलिए देखिए, मैं सीधा आपको बिना टाइम वेस्ट किए ले चलता हूँ वीडियो में। देखिए, यहाँ पर जो अभी राजस्थान का हमारा नया जो मैप जारी किया गया है, ये वो मैप है, उस मैप को लेकर के मैं आया हूँ। राजस्थान में पहले सर 33 जिले हुआ करते थे, जिनकी संख्या वर्तमान में बढ़ा करके 50 कर दी गई है और कहा जा रहा है कि जो नए जिले हैं वो नए जिले बनाए जाने हैं 19। सर जी, 33 और 19 टोटल कितना होता है? 52 होता है, लेकिन फिर भी जिले कितने रहेंगे? 50 जिले रहेंगे। कारण क्या है दोस्तों कि जयपुर और जोधपुर जो है उसके दो पार्ट कर दिए हैं, पूर्वी पश्चिमी, मतलब ग्रामीण और शहरी, लेकिन रहेगा जयपुर जिला ही, इसी तरह जोधपुर भी जिला रहेगा। तो टोटल 52 ना होकर के टोटल जिले राजस्थान में हो जाएंगे 50। और देखिए, मैं यहाँ पर मैप भी लेके आया हूँ, राजस्थान का नया मैप। यहाँ अपन बात करते हैं, पहले बीकानेर था, बीकानेर से तोड़ करके एक अनूपगढ़, कुछ गंगानगर का पार्ट ले लिया है, दोनों को मिला करके एक अनूपगढ़ जिला बना दिया गया है। यहाँ पर देखिए, सांचौर, पहले जालौर हुआ करता था, जालौर में से इधर बाड़मेर से कुछ हिस्सा लेकर के एक नया जिला ये सांचौर बना दिया गया है। सर, बाहर बाहर सीमा की बात कर लेते हैं अपन। यहाँ देखिए, यदि इधर से चलते हैं हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, ये नीम का थाना जो है ये कोटपुतली हुआ, खैरथल हुआ, इधर डीग, भरतपुर से तोड़ करके हमारा डीग जो है, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, जहाँ का मूलतः निवासी हूँ, डीग को जिला बना दिया गया है। और देखिए आगे चलते हैं, भरतपुर के बाद करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यह आपका चित्तौड़गढ़ वाला पोर्शन हो गया, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलुम्बर, ये भी नया है इधर, अगर ये सीमा टच नहीं कर रहा है, बाकी तो उदयपुर, सिरोही, जालौर, सब सेम टू सेम है। सीमा पर, जो सीमा पर नए जिले बनाए गए हैं आप लोग देख रहे हैं, मैंने उन्हें हाईलाइट कर दिया है, डार्क कर दिया, जिससे आप नए जिलों को देख सकें। तो दोस्तों, ये हमारे राजस्थान का नया मैप होने वाला है, नया मैप, जिस मैप में टोटल जो डिस्ट्रिक्ट हैं, टोटल जो जिले हैं, उनकी संख्या 50 हो जाएगी और थोड़ा सा भूगोल चेंज हो जाएगा कि पाकिस्तान से एक नया जिला लगेगा, नाम है अनूपगढ़। तो अब जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे जब स्टार्टिंग करेंगे कि सर यहाँ से लेकर के और यहाँ नीचे तक, मान लीजिए अपना ये पाक वाला एरिया आता है, तो इस एरिया में एक अनूपगढ़ जिला अलग से बढ़ गया है। और देखिए, यहाँ हमारा भरतपुर से टूट करके एक नया जिला बन गया है डीग। अब चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए मैं थोड़ा डीग के बारे में बात कर लेता हूँ। जल महलों की नगरी डीग को कहा जाता है। तो देखिए, ये हमारा डीग का नया मैप है, आप सब देख पा रहे हैं, है ना। और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो डीग है पहले भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता था, भरतपुर में आता था डीग। अब वर्तमान में जो नया जिला है वो नया जिला सर आपका डीग बन गया है, और डीग नया जिला बन गया है। तो डीग की अगर हम बात करें तो डीग को सर कहा जाता है जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी है हमारा डीग, ठीक है, जल महलों की नगरी से नाम से आज भी जाना जाता है, मशहूर है। और रॉयल फैमिली जो है हमारा, वो है महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी हैं फिलहाल में, और महाराजा सूरजमल हुए थे, जवाहर सिंह जी हुए थे, तो कई राजाओं रियासत काल से चली आ रही हैं। भरतपुर का दुर्ग जो है वो अजय दुर्ग है, आज भी कोई नहीं जीत पाया है। तो अभी भरतपुर डीग जो है, डीग पहले किसी ज़माने में दीर्घपुर नाम हुआ करता था, देखिए डीग का पुराना नाम था दीर्घपुरम था, दीर्घपुरम से धीरे 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 डीग में परिवर्तित हो गया और वर्तमान में इसका नाम डीग है। डीग जो है एक नया जिला बना है। अब बात करेंगे हम कि डीग जो नया जिला है इसमें कौन कौन सी तहसीलों को जोड़ा गया है या क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें नई जोड़ी गई हैं, देख लीजिए एक बार। देखिए, ये हमारा मैप है, डीग में सर कुल मिलाकर के 6 उपखंड होंगे। कितने उपखंड होंगे? 6 उपखंड यहाँ डीग में लिए गए हैं। देखिए, इसमें 6 उपखंड होंगे और 9 तहसीलें होंगी। सर जी, उपखंड जो होंगे, उपखंड 9 होंगे और जो तहसील होंगी वो तहसील हो जाएंगी सर जी, सॉरी, उपखंड जो हैं, उपखंडों की संख्या सर 6 होगी और जो तहसील हैं वो 9 हो जाएंगी।
अब देखिए डीग में कौन कौन से उपखंड शामिल किए गए, एक बार मैं इस मैप को थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ। चलिए अब आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे सारी चीज़ें। ये देखिए यहाँ जो अपना डीग है, उस डीग में सर एक तो जो मेवात से लगने वाला जगह है जुरहरा वो ले लिया गया है, इधर से पहाड़ी ले ली गई है, जुरहरा पहाड़ी के अलावा कामा लिया गया है, कामा के अलावा सीकरी है, सीकरी लिया गया है, उसके अलावा नगर ले लिया गया है, ये सेंटर में हमारा डीग है और डीग के पास में जस्ट जनूथर है, जनूथर को भी ले लिया गया है, इसके अलावा यहाँ कुमेर और रार ये जो आपके पास हैं सर जी, तीन तीन छः तनामतिया नौ, ये नौ तहसीलें हैं जिन नौ तहसीलों को डीग में शामिल किया गया है। एक बार थोड़ा सा नीचे और बात कर लेते हैं, इसमें देखिए लिखा हुआ है सारी चीज़ें कि एक मिनट देखिए हमारा जो डीग है, जो हमारा जिला है डीग, उस जिले की बात करें तो छः उपखंड होंगे, नौ तहसीलें होंगी। कौन कौन से उपखंड शामिल किए गए हैं सर? डीग, कुमेर, नगर, सीकरी, कामा और पहाड़ी, ये कुल छः तो उपखंड बनेंगे डीग में। और जो नई तहसील बनेंगी वो डीग तहसील तो पहले से ही है, जनूथर हो गया, कुमेर हो गया, रारे हो गया, नगर हो गया, सीकरी हो गया, कामा हो गया, जुरहरा हो गया और पहाड़ी हो गया सर, ये कुल मिलाकर के यहाँ पर नौ तहसीलें मिलाई गई हैं, नौ तहसीलें और छः उपखंड। इन नौ तहसीलें और छः उपखंड को मिला करके एक नया जिला बनाया गया है। जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ तो वो जो जिला है हमारा, वो जिला है सर डीग, नया जिला। तो आप सबको डीग वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए जिले बनाए जाने पर। आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है मुख्यमंत्री जी ने और बताया जा रहा है कि 7 अगस्त के आसपास उद्घाटन किया जाएगा नए जिलों का। तो देखते हैं कब नए जिले का उद्घाटन होता है। आप सबको डीग वासियों को फिर से बार बार शुभकामनाएं। और देखिए जैसे ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी हम फिर से अपने इस मैप की बात करेंगे। इस मैप को, राजस्थान का जो नया मैप है, इस मैप को अपन एक बार ढंग से पढ़ेंगे सारी चीज़ें। फिलहाल थोड़ा सा जानकारी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो डीग वासी हैं वो डीग वासी तो कम से कम अपने स्टेटस पर इस वीडियो को जरूर लगाएं ताकि आप लोगों को भी पता चले ये सारी चीज़ें। अब देखिए ये जो मैप है, इस मैप की चर्चा अपन बाद में करेंगे, ठीक है? कभी टाइम निकालेंगे तो इस मैप के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन अपन देंगे। जब अपन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में एक एक चीज़ की बात करेंगे, कहाँ किसकी सीमा कितनी किसके साथ लगती है। यहाँ देखिए जयपुर, जो मैं आपको बता रहा था, जयपुर के दो पार्ट कर दिए हैं, उत्तर जयपुर और दक्षिण जयपुर। और एक और बात, यहाँ दो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला मित्रों, सबसे बड़ा जो जिला है, सबसे बड़ा जिला पहले भी जैसलमेर था और आज भी ये सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। सबसे छोटा जिला, सबसे जो छोटा जिला था वो चेंज हो गया है, अब से जो दूदू है, दूदू ये रहा दूदू हमारे पास, ये दूदू जो है ये राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। और एक और जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि राजस्थान जो है पूरे भारत में तीसरे नंबर पर आ गया है सबसे अधिक जिले होने के कारण। इससे ज़्यादा जिले जो हैं सर यूपी में हैं, फिलहाल में यूपी में 75 जिले हैं यूपी में। और उसके बाद एमपी की यदि बात करें तो 52 जिले हैं यूपी में, 75 जिले हैं एमपी में, 52 जिले हैं। और अभी राजस्थान, मारा प्यारा राजस्थान, इसमें 50 जिले हो गए हैं सर, ठीक है? और मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि हो सकता है जो राम लोभैया कमेटी है उसका कार्यकाल 6 महीने और बढ़ा दिया गया है, हो सकता है नए जिलों की जो संभावना है उनको और तलाशा जा रहा है, हो सकता है ये जिलों की संख्या और भी बढ़ाई जा सकती है। तो उन्होंने जो उनका इंटरव्यू आया था आज, उन्होंने बताया कि फिलहाल में इन जिलों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जहां कलेक्टर और एसपी महोदय बैठा करेंगे। और इसके अलावा नए जिलों के लिए 6 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया है राम लोभैया समिति का, वो नए जिलों की और संभावनाएं तलाशेंगे। क्या राजस्थान में नए जिलों की और आवश्यकता है? तो आप भी एक बार कमेंट करके बताएं क्या राजस्थान में नए जिलों की आवश्यकता है या नहीं है, ठीक है? चलिए बात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचाएं। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, याद रखिए राजस्थान वर्तमान में जिलों की संख्या में तीसरे नंबर पर आ रहा है सर्वाधिक जिलों में। बात करें राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला सर वही है जैसलमेर अपना, और सबसे छोटा जो जिला है वो जयपुर से यहाँ से टूट करके ये बन गया है दूदू। तो दूदू जो है वो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है सर। जिस तरह जयपुर का डिवाइडेशन हुआ है उसी प्रकार जोधपुर का भी डिवाइडेशन हुआ है, पूर्वी जोधपुर और पश्चिमी जोधपुर। चलिए ठीक है, नमस्कार, आगे की बात करेंगे अगले वीडियो में।